हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कश्मीरी तड़का ट्विस्ट। माय नेम इज़ जैस्मिन और आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी साग। कश्मीर में इसको हाक भी कहते हैं। हाक का मतलब होता है ग्रीन्स, सो एनी टाइप्स ऑफ ग्रीन इज कॉल्ड एज हाक। ये कश्मीर का जाना माना स्टेपल फूड है। इसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, जैसे मीट के साथ बनाया जाता है या फिश के साथ बनाया जाता है या फिर बेसिक एज ए स्टू भी रख सकते हैं। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक हेल्दीएस्ट स्टू है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना कश्मीरी साग। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहें। कश्मीरी साग बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे 1 बंच ऑफ साग। इसको हम अच्छी तरीके से धोकर कट कर लेंगे। हम इसके स्टेम्स को कट करके अलग करने वाले हैं क्योंकि आप देख सकते हो इसके स्टेम्स काफ़ी सख्त है। पर अगर आप किसी और किस्म का साग यूज़ कर रहे हो तो बेशक आप इसके स्टेम्स भी यूज़ कर सकते हो। आगे हम साग को कट कर लेंगे। हमको इसको बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको मोटा मोटा ही रखना है। हमने साग को वॉश किया है, अब हम इसको साइड में रख लेंगे। आगे हम ले रहे हैं 1 मीडियम ऑनियन, जिसको हम थिन स्लाइसेस में कट कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए हमको बेसिक कुछ ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि ऑनियन के साथ हमने लिया है 4 हरी मिर्चें, 4 लाल मिर्चें, 4 लहसुन की कलियां, हिंग 1/2 टीस्पून और सॉल्ट 1 टीस्पून। आगे हमने लिया है एक डीप पैन, इसमें हमने डाला है 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे ऑनियन। ऑनियन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब ऑनियन अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब आगे हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। जब पानी को बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे साग। इसको हम हल्के से स्टर कर लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं हिंग और नमक। आगे हम इसमें डालेंगे लहसुन, हरी मिर्चें और लाल मिर्चें। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और बॉईल आने देंगे। आमतौर पर आप इसको ऐसे ही बिना ढके पका सकते हैं ताकि इसका ग्रीन कलर बरकरार रहे, पर क्योंकि ये साग थोड़ा सख्त है हम इसको प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करके 2 या 3 सीटी लगा देंगे। तो आप देखिए हमारा साग रेडी हो गया है और इसको बनाना कितना आसान है। आप भी ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका साग कैसे बना था। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।